बैक टू द न्यू व्लॉग, इट्स योर गर्ल वाइबी। तो इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं धर्मशाला। धर्मशाला जा रहे हैं हम दलाई लामा जी के दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए हम आज निकलेंगे और कल सुबह पहुंचेंगे। कल सुबह जाएंगे हम दर्शन के लिए। अगर हमारा दर्शन करना नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे लास्ट डेट है 5 तारीख को, और 6 तारीख को तो रिपोर्ट का खुद बर्थडे है, तो वो शायद उस टाइम पर हमारे जलसा करना नहीं मिलेगा, दर्शन करना नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं आज शाम को निकलेंगे हम लोग और कल सुबह पहुंचेंगे। तो देखते रहिए क्या क्या होता है। तो अभी हम जाएंगे बस स्टैंड के लिए बस का पता करने। तो अभी क्या बोलते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं, लेट हो गया। हमारी 8 बजे बस होती है वैसे ना, और पता नहीं हमारे कितने बजे बस है, पूछना पड़ेगा पहले। अभी हमने बस पकड़ी थी, बस में उन्होंने कंडक्टर अंकल ने कहा कि सीट सारी फुल है, और हम लोग फिर भी बैठ गए क्योंकि हमारे लोगों का सीट खाली है। उसके बाद फिर हम आधे रास्ते में यहीं पे उतर गए, और सूप वगैरह ने भी जाना है बोला, तो उन्होंने कहा कि टैक्सी करा उन्होंने, तो वो बोला 8,000 रुपये आना जाना। तो हमने बोला कि हम 3 हो गए, अब देखते क्या बनता है। क्या बोला मम्मी, क्या बोला, क्या बोला, चलते 8,000 में आना जाना गाड़ी किया। आज हमारे लग बहुत अच्छा है क्योंकि 8,000 हमारे को टाइम हमारे को लगा कि हम लोग लेट हो रहे हैं, पर हम लोगों को एक गाड़ी मिली, बस स्टैंड तक छोड़ दी हमारे को। उसके बाद हम लोग बस पूछने गए, तो हमारे को बस बोला अभी अभी पंप पे खड़ी हुई है, तो हम दौड़ के गए, बस भी मिल गई, और हमारे को लगा कि क्या सीट नहीं है, तो हम उतर गए और हमारे को टैक्सी भी मिल गई। आज हमारा लग अच्छा है, लोग भी आ रहे हैं, आज हमारा लग अच्छा है, तो मतलब हमारे को कल जायजा मिल जाएगा। छुबा भी फिटिंग कराना था, क्योंकि छुबा मेरा, मैंने जो छुबा मम्मी का एक छुबा था वो बहुत प्यारा जैसा था, तो मैंने मम्मी को बोला था कि ये छुबा मैंने पहना, तो फिर मैंने फिटिंग भी कराना था, तो वो हम लोग ले गए थे बैग में, और मैं अपना भी ले गई थी। तो फिर टाइम तो बचना नहीं था क्योंकि बस भी लेट हो गया था, सब कुछ लेट हो गया था, तो फिर अभी हमारे को टाइम मिल गया था, क्योंकि अब 10 बजे हमारा टैक्सी जाने वाला था, क्योंकि अब हम टैक्सी में जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि फिटिंग, फिर मम्मी ने कहा कि फिटिंग भी कराते हैं, तो फिर मैंने कहा कि हाँ चलो फिटिंग कराते, तो हम लोग फिटिंग कराने गए थे। छोटा छोटा कुछ नहीं होगा इतनी जल्दी, नहीं नहीं यहाँ से सिलाई मारना था, नहीं होगा जल्दी चाहिए था ना, बहुत टाइम लगेगा इसमें कुछ। पक्का 10% करके आऊंगा, आएंगे नहीं, आऊंगा अकेले जा रहे पापा अकेले जा रहे, वो अकेला आ रहा है। अच्छा जा रहे तो अकेले है ना, आएंगे अकेले पापा, है ना पापा, जाऊंगा साथ, आऊंगा अकेला, क्यों सब साथ जाना, साथ आना, चार्जर नहीं होता, उठ गया था है ना, दूर दूसरा चुंडो ना सब कीजिए चुंडो। तो बस हमारा गाड़ी भी आ चुका है, ओए पानी भरना था यार। हमें ये इंतजार के बाद हमारे जो पार्टनर है वो आ चुके हैं, ये देखो हाय प्रिंसिपल, हाय कहाँ जा रहे हैं मैम आज हम, धर्मशाला क्या करने के लिए, दलाई लामा दर्शन के। मॉडल आ चुके हैं, मैं आप सभी को दिखाने के लिए तैयार हूँ, ये देखिए आज आप आइए। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते भी, हेलो हेलो, मुझे जैसा करने जहाँ आप वही हम एक दिख रही हूँ आपको, आप तू मेरे को इधर देखो तो आप सुंदर है, आपकी आंखें नहीं दिख रही। नमस्ते जी, नमस्ते जॉय साहब, जॉय जॉय बेटी साहब, नमस्ते जी बेटी साहब, नमस्ते, क्यों ना बेटी को नमस्ते कर रहे हो। तो हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया है, तो हम रेडी है। तो आप कितनी ज्यादा उत्सुक होंगे, इस शख्स को वॉमिटिंग होती है,
आगे वाले शख्स है उसको भी वॉमिटिंग कर दी। इसने ना पिछले बार वाला वीडियो सारा के लिए गुस्सा आ रहा है ना, घुसी हुई थी तो डाल दो मम्मी छोटे को दवाई खिला दो मां अभी नहीं कर दिया नहीं बेटी अभी खा ले अभी अभी खाएगी तब मैं बनाना मारेंगे भाई वाह पानी करना हम तो पानी पानी यहाँ पर था यहीं पे ये तो बस हम पहुँचने वाले और हम लोग सारे खतना सो गए खतना सो गए और दो दो बंदे ना कर दिया बस सारे बाहर निकले हुए और इतना अनकंफर्टेबल कमल का चेमू अच्छा गिल्ला गिल्ला ही है ये मतलब थोड़ा ऊपर से लग गया इसमें ये वो ए भी ने बाहर निकाल दिया पानी फेंका ना वो है पानी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है उल्टा दम गीला हो जाएगा छुगा से छू गया साफ कर दिया आपने पूरा साफ कर दिया मैंने साफ हो गया टैक्सी रुका हुआ है तो फाइनली हम पहुंच अब यही चल ले जाना सोने के लिए गुड मॉर्निंग पेसो लोगों को रूम भी मिल चुका है 1500 वालों को मैं बोला सब एक में एडजस्ट हो जाएंगे बस अब एक घंटा रह गया 6 बजने को नहीं 5 बजने को उसके बाद फिर जाएंगे हम 5 बजे तैयार होकर हम जाएंगे हम ऊपर जाके घोड़े बेचे सोएंगे गैंग चली पूरी लेट्स गो कुछ कहना चाहेंगे आप मेरा आप परफ्यूम होगा नहीं होता है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा बोला कोरोना टेस्ट भी नहीं हो रहा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा बोला अंदर
तो 1500 में हमारे ग्रुप से गए। यहाँ देखिए मेरी आईडी तो नीचे तो रूम भी मिल चुका है और ये देखिए हमारा टॉयलेट, इसमें तो शीशा ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। तो हम लोगों को रूम भी मिल चुका है और क्या बोलते हैं, हम लोग एक बार पहले भी आए थे, हम लोग उस टाइम पे जॉर्जिया में मिले था और उस टाइम पे हम लोगों का सब कुछ ऐसे मुश्किल से बना था सब कुछ, क्योंकि रूम भी नहीं मिल रहा था। हम लोग बाहर बैठे हुए थे बहुत टाइम से और ना रूम मिल रहा था, ना कुछ हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। हम लोग दो तीन जगह पे रूम ढूंढने गए थे, कभी भी नहीं मिला था, पर इस बार हमारा रूम खुद ही चलकर हमारे पास आया और हमें रूम भी मिल चुका है, ठीक ठाक रूम मिला है। और पिछली बार एक छोटा सा रूम था, उसका एक बार कितना बोल रहे थे, और पिछले बार हमें 2400 का रूम मिला था, इस बार हमारे 1000 में एक बड़ा रूम मिल गया है। तो मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो हमारा कुछ अच्छा मैनेज है। आप थोड़ी देर सोते हैं, अपनी एक एक नींद पूरी कर ली है और अब हम लोग तैयार होने के लिए जा रहे हैं, पर हम लोगों को पता नहीं है जाना किधर है, पता है जाना किधर है पर हमारे को पता नहीं है। हम लोग तैयार तो हो गए पर क्या बोलते कल वहाँ पे फोन ले जाने नहीं देते बुलाना, तो फिर शायद से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी ज्यादा, पर जितना भी दिखा पाऊंगी देख लेना। निकल चुके हैं और ऐसा हो रहा है कि जाल का मिल रहा है मतलब, और बहुत सारे लोग भी है तो हम सब निकल रहे हैं। ये देखिए मैं खुद करती हूँ, बाय बाय।